मैं डॉक्टर आरिफ सुंदरगढ़ी सीमापुरी विधानसभा से। सर आज जो एक ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है जी। आज तक जो है गरीबों को, दबे कुचले समाज को, एससी एसटी ओबीसी को, माइनॉरिटी को जो एक पढ़ाई में बाधा आती थी, जो ट्वेल्थ करे और वो ट्वेल्थ करने के बाद में कोचिंग के लिए वो उसको दर बदर भागना पड़ता था, पैसे की कमी की वजह से वो कोचिंग अच्छे इंस्टीट्यूट में नहीं ले जा सकते थे। आकाश हुआ और दो तीन अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, कोटा में जा सकते थे। तो आज जो ये लॉन्च होने जा रहा है तो ये एक ऐतिहासिक फैसला है और इंडिया के अंदर पहली स्टेट बन जाएगा ये कि जो हमारे पढ़ाई में बाधा नहीं आएगी अच्छे स्टूडेंट के लिए, नंबर एक। नंबर दो सर, एक लोन का भी इन्होंने करा है कि लोन जो है लोन उसका एक ऐप देंगे ये, वो उसको डाउनलोड करना है ऐप को, और वो डाउनलोड करने के बाद में आप घर पे बैठे अप्लाई करिए, मतलब आप फॉर्म भर देंगे और फॉर्म भरने के बाद में आप उसमें ऐप डाउन कर देंगे, ऐप डाउन करके और ऑनलाइन अप्लाई करेंगे, घर पे अधिकारी आएगा और उसकी लिमिटेशन होगी 15 दिन 10 दिन, वो तो अभी डिसाइड नहीं करा, एक महीने के अंदर अंदर ईसीएस के जरिए पैसा, बीच में कोई दलाल नहीं रहेगा, बीच में कोई भी बीच में सेकंड पार्टी नहीं आएगी, सीधा पैसा उस पर पहुंच जाएगा और 6 महीने के बाद में उसका रिटर्न शुरू होगा, 6 महीने तक कोई ब्याज नहीं लगेगा, 1 लाख तक अभी डिसाइड होना है, 50,000 पे कोई गारंटी नहीं है, 5 लाख पर एक सरकारी गारंटी या मकान के कागज रखने पड़ेंगे, बहुत इजी बना दिया इसको। तो आज आप खुश हैं कि मतलब आज एक ऐतिहासिक फैसला होने जा रहा है? खुश होने की तो बात यह है कि मैं क्या, पूरा हिंदुस्तान आज टक 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 ही लगाए बैठा है, हम बहुत खुश हैं आज इससे। हमारे जो मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ही ये नई स्कीम निकाल के लाए हैं, उन्होंने ही अपनी ब्यूरोक्रेसी को बिठाया अपने साथ में और एक ये सोचने की और समझने की कोशिश करी कि जो हमारे समाज में दबा कुचला जो समाज है, वर्ग है, ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी, उसको कैसा उसका उत्थान किया जाए, जो आज तक हमारे बड़े बड़े यहाँ के नेता गुजरे वो ना करके हमारे राजेंद्र पाल गौतम जी ने अरविंद केजरीवाल जी की अध्यक्षता में ये मीटिंग का फैसला करा और ये फाइनल कर दिया।